हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ डॉक्टर सैयद फहीम अली और एक बार आपका फिर से स्वागत है टारगेट अभी ऑनलाइन वीडियो डिजिटल क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है ये हमारी यूनिट है, इसका नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन। आज के इस दौर में पुस्तकालय के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे ऑटोमेशन की। बात करेंगे शब्द में ही सारी कहानी छुपी हुई है जिसका नाम है ऑटोमेशन। ऑटोमेटिकली, स्वतः, स्वचालित, अपने आप जिसका चलन हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं मनुष्य की नहीं, हम बात कर रहे हैं मशीन की। मशीन पर डिपेंडेंट होकर हम अपना सारा काम कर रहे हैं। पुस्तकालय के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है पुस्तकालय की परिभाषा, पुस्तकालय के प्रकार, और सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी को हम लोग सर्विसेज देने के लिए ही इसकी स्थापना करते हैं। लाइब्रेरी क्या है ये हम लोग बहुत पहले बात कर चुके हैं, कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये आपको सबको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से पता है क्योंकि ये हमारी जो यूनिट है ये इस यूनिट का नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन और ये हमारी 8वीं यूनिट है। तो उम्मीद है इससे पहले आपने जो है 7 यूनिट पढ़ी होगी और नहीं भी तो सब्जेक्ट के बारे में तो आप लोग बेहतर तरीके से जो है बहुत अच्छे से जानते हैं। सर्विसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइब्रेरी साइंस के जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं वो भी हमें सर्विसेज की ओर ही जो है निर्देशित करते हैं, जिसमें पहला रूल आपसे कहता है कि बुक्स आर फॉर यूज़, यानी कि पुस्तकें उपयोगार्थ है। ओके, सेकेंड रूल आपको कहता है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड रूल आपसे कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितने भी यूजर्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाइड करना जो है लाइब्रेरी का काम है। प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को भी पाठक मिले। चौथा रूल कहता है कि पाठक का समय बचाइए। तो अल्टीमेटली आप मैनेजमेंट की बात हो रही है, सर्विसेज की बात हो रही है, टाइम सेविंग की बात हो रही है, तो चौथे सूत्र की जब हम बात करते हैं डेट इज द सेव द टाइम ऑफ द यूजर या रीडर, यानी कि जितने भी आपके क्लाइंट हैं जो आपसे सर्विसेज लेते हैं और बीइंग अ लाइब्रेरियन आप उन्हें सर्विसेज देते हैं, तो आपके सर्विस देने में और उनके सर्विस लेने में जो समय है, जो एक्स्ट्रा टाइम जो लगता है, उसकी सेविंग होना बहुत जरूरी है। यानी कि सर्विसेज प्रॉम्प्ट होनी चाहिए आपको, जब जहाँ यूजर जैसी आवश्यकता उसकी हो और वो जो डिमांड करे वो चीज़ें आपके पास जो है तत्काल तौर पे उपलब्ध होनी चाहिए। होती तो है चीज़ें हमारे पास, अगर नहीं है तो हमें पता है मना कर देंगे, दैट इज़ वेरी गुड थिंग कि हम अगर कोई सर्विस नहीं दे सकते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकते या पाठक को कोई इन्फॉर्मेशन रिसोर्स चाहिए अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम मना कर देंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन अगर है और आपको ढूंढ के देने में अगर समय लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मिसमैनेजमेंट है। तो प्रबंध की बात भी यहाँ पर आती है, मैनेजमेंट से भी रिलेटेड है, दैट इज नोन एज फोर्थ लॉ। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन से तो फुल्ली रिलेटेड है आपका, दैट इज नोन एज फोर्थ लॉ, यानी कि पाठक का समय बचाना। हम ऑटोमेटेड सिस्टम करना चाह रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में और हम लोग करते भी हैं आज के इस दौर में, यानी तकनीक का बेहतर से बेहतर प्रयोग करते हुए हम अपनी सेवाओं को, हम अपनी सर्विसेज को बहुत अच्छा पॉलिश करके हम उस पर काम करते हैं। तो दैट इज नोन एज लाइब्रेरी सर्विसेज, और लाइब्रेरी सर्विसेज के अंदर जो है हम लोग आज मशीन का प्रयोग करते हुए, आज हम कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग करते हुए जो है हम लोग ऑटोमेशन तैयार कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज आवर यूनिट, यही यूनिट है और इस यूनिट में हम लोग बहुत सारी तकनीक और बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे टेक्नोलॉजी, और इस तकनीक के आधार पर हम लोग ये भी देखेंगे इस यूनिट के अंदर के कितनी चीज़ें जो है नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर सब चीज़ें जो है यहाँ पर डिज़ाइन की गई है और कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो आज हम लोग यूनिट स्टार्ट करते हैं दैट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा विस्तार से हम लोग बात करेंगे, नई तकनीकों के बारे में बात करेंगे। ये जनरल नॉलेज के तौर पर भी आपको इन तकनीकों के बारे में बात पता चलेगी, आप अपना स्वयं का नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, और UGC नेट के अंदर जो है बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज नोन एज लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो ये शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, दैट इज लाइब्रेरी ऑटोमेशन। देखिए, इट इज़ जस्ट अ सिनेरियो। आप लाइब्रेरी ऑटोमेशन को समझने का बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपसे बताऊंगा। देखिए, इसमें दो शब्द आएंगे जिससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, आप एक होता है आपका डिजिटाइजेशन और एक होता है ऑटोमेशन, दोनों में अंतर है। डिजिटाइजेशन इट्स अ डिफरेंट थिंग, डिजिटलीकरण या डिजिटल लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ओके, तो ऑटोमेशन अलग चीज़ है। ऑटोमेशन का मतलब ये, देखिए, जो काम अब तक आप मैनुअली कर रहे थे वो मशीन से हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किताब इशू कर रहे थे, तो किताब इशू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बुक लाते हैं, जैसे यूज़र अपना बुक सेलेक्ट करके लाया, उसने इशू करे तो हम उसका पर्टिकुलर रिकॉर्ड खोलेंगे और रिकॉर्ड में हम लोग जाके उसके अंदर हम लोग मैनुअली एंट्री करते हैं कि भाई ये किताब है, इस किताब का एक्सेशन नंबर ये है, किताब का टाइटल ये है, हमने किस यूज़र को दी, किस तारीख को दी, हम लोग ये रजिस्टर में मैनुअली एंट्री करते हैं। आपको पता ही होगा इशू जो हम सर्कुलेशन के अंदर हम करते हैं, इट टेक्स टाइम। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए छोटी लाइब्रेरी तो ठीक है, जहाँ बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ यूज़र्स की संख्या ज़्यादा है, ओके, कलेक्शन भी बहुत बड़ा है, एकेडमिक लाइब्रेरीज में या जहाँ ऐसी जो प्रोफेशनल लाइब्रेरीज होती है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पर ऐसा समय बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए लॉ लाइब्रेरी है तो वहाँ पर भी इट टेक्स टाइम।
जितने भी यूजर्स हैं जिनको बुक्स इशू करानी है, दे मेक अ क्यू, लाइन में लगेंगे वो, ओके, और एक ही करके वो अपने बुक्स जो है अपने नाम से इशू करेंगे। इट टेक्स टाइम, तो यहाँ पर मैनुअल सिस्टम अगर है तो टाइम बच सकता है, क्योंकि फोर्थ लॉ आपको क्या कहता है, आपका सेव द टाइम ऑफ द यूजर या रीडर, आपको समय बचाना है। तो यहाँ ऑटोमेशन की बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत अत्यधिक महत्व है कि अगर ऑटोमेटेड है सिस्टम तो टाइम बचेगा और काम जो है बहुत कम समय में और टाइमली आपका हो जाएगा। सो दैट इज़ द नीड ऑफ द ऑटोमेशन हम लोग करते हैं। तो जहाँ कहीं भी अगर लाइब्रेरी में आप कोई मैनुअल काम कर रहे हैं और वहाँ अगर काम मशीन की सहायता से हो रहा है और समय बच रहा है, तो दिस इज नोन एज ऑटोमेशन, ये आपका ऑटोमेशन कहलाएगा। ओके, सो मैं डिजिटल लाइब्रेरी का जो है कॉन्सेप्ट इसी आपकी यूनिट में आएगा। डिजिटल लाइब्रेरी में हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे और कई सारे जो है वहाँ पर मैंने आपको लेक्चर्स भी दिए, तो डिजिटल लाइब्रेरी आप वहाँ पर देख लेंगे। अभी सिर्फ आज की क्लास में हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेटेड मशीन का यूज़ करते हो। अब किताब इशू कराने के लिए लाइन लगी भी, तो अगर ऐसा सिस्टम हो जाए वहाँ पर किताब इशू कराने के लिए लाइन नहीं लगे हमें, और वहाँ पर हम लोग ऐसा एक सिस्टम बना दें जिसमें बार कोड रीडर हो, हम बार कोड रीड कर ले और ऑटोमेटिकली, या RFID टेक्नोलॉजी हम लोग काम में लें जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, उस तकनीक से ऑटोमेटिकली आपकी किताब जो है वहाँ पर आप लिखेंगे, वहाँ पर वो RFID टैग को रीड करेगा और रीड करने के बाद जो है यूज़र को इशू हो जाएगी, यूज़र का ID कार्ड होगा उसके ज़रिए। सो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोमेशन, ये स्वचालन की बात हम लोग करें। या इन सब कामों को करने के लिए भी हम लोग लाइब्रेरी में क्या है, हम ऑटोमेटेड सिस्टम बनाते हैं जिसमें हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स भी काम में लेते हैं। आपने सुना होगा जैसे सोल है आपका, कोहा है आपका, लिप्सिस है, CDS ICS है आपका, संजय सॉफ्टवेयर है आपका, ओके, और ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोगों ने बात करी है जब हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स की बात करी। तो ये सब चीज़ें मिलकर ये कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करती है और इसे हम कहते हैं ऑटोमेशन। आज ये बहुत बड़े या बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, है ना, कि ऐसे फॉरेन में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर मनुष्य है ही नहीं है, मतलब मैनलेस लाइब्रेरी है ना, कि मनुष्य नहीं, वहाँ पर सारा कलेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें, आप वहाँ पर लाइब्रेरी का मेंबर हैं, आप अपना कार्ड लेके जाएंगे या इफ़ यू आर कैरिंग द RFID है ना, आपके पास कार्ड है आपका, आपके पॉकेट में भी रखा हुआ है, तो आप जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका डोर खुल जाएगा, आप अंदर जाएंगे, यू कैन सर्च द बुक्स, आप देख सकते हैं वहाँ अगर आपको कुछ करना है, वहाँ पर पैनल्स लगे हुए हैं ऐसे, ओके, तो आप LED पैनल्स लगे वहाँ पर जाके आप अपनी क्वेरीज फायर कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं वहाँ के डेटाबेस में, अगर किताब है आपको बता देगा कौन से अलमारी में कौन से रैक में कहाँ रखी हुई है, नहीं है, इशूड है, नहीं है, आप इशू करना चाहते हैं आप उस जगह पर चले जाएंगे, किताब लेकर आएंगे, आप वहाँ पर रख के वहाँ पर वो जहाँ पर इशू काउंटर होता है उस इशू काउंटर से आप अपनी बुक को इशू करवा के और आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं, ओके, सो इशू करना है, डिपॉजिट करना, ये सब चीज़ें, सो दिस इज एंड जस्ट एग्जाम्पल ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज है जिनके जरिए हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन का काम करते हैं, ओके, सो सिंपल सी बात अगर आपसे पूछा जाए कि वॉट डू यू मीन बाय अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तो आज के इस दौर में जो वर्तमान में जितनी तकनीक है उस तकनीक का प्रयोग करते हुए हम पुस्तकालय में होने वाले दैनिक कार्य जितनी भी हैं, रेगुलर डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज़ है, उन एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करें, समय बचाएं मशीन के प्रयोग से, और तो दैट इज़ नोन एज द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इसी पर हम लोग जो है थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो सबसे पहला है व्हाट इज अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, के लाइब्रेरी ऑटोमेशन किसे कहते हैं। तो मैंने हालांकि बहुत सारी बातें ऑटोमेशन पर की जा सकती है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, तो आप तो बस ये समझ जाएंगे कि जहाँ मनुष्य या मशीन की सहायता से काम कर रहा है और कम समय में जो है हम लोग काम कर पा रहे हैं, अच्छी और बेहतर सर्विसेज दे पा रहे हैं, दिस इज द ऑटोमेशन। दैट इज नॉट द डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन नहीं है, ओके, डिजिटलीकरण तो तब होगा जब लाइब्रेरी का जो सारा कंटेंट है जो हार्ड कॉपी में है हमने उसको स्कैन करके या हमने उसको डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हुए हमने उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज नॉट एज डिजिटाइजेशन, वो डिजिटलीकरण है। आपके पास एक बुक है और एक आपके पास ई बुक है, इफ़ यू आर रीडिंग द बुक तो वो डिजिटाइजेशन नहीं है, अगर आप ई बुक पढ़ रहे हैं तो दैट इज द डिजिटाइजेशन, तो वो डिजिटाइजेशन दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो लाइब्रेरीज का सीनेरियो चेंज हो गया जब डिजिटल लाइब्रेरीज बन गई, तो वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में, इसी यूनिट के हम नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन जो है आज के इस दौर में जो तकनीक का प्रयोग है उसकी हम लोग बात करेंगे। सो सवाल आता है कि व्हाट इज अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ ICT, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ ICT टू द लाइब्रेरी ऑपरेशंस एंड सर्विसेज, यानी कि लाइब्रेरी में जितनी भी ऑपरेशंस होते हैं, क्रियाकलाप है, और सर्विस यानी कि सेवाएं, ऑपरेशंस यानी कि जो एक्टिविटीज है लाइब्रेरी की, और सर्विसेज जो यूजर को हम लोग दे रहे हैं। सो इन सब ऑपरेशंस और सर्विसेज में जब हम ICT का प्रयोग करते हैं, यानी कि ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT का प्रयोग करते हैं, दिस इज नोन एज ऑटोमेशन, कि हम लोग ऑटोमेटिकली हम काम कर रहे हैं। होता ना जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंकिंग में ऑटोमेशन हो गया, आज की डेट में आप क्या करते हैं, आप मनी डिपॉजिट करने के लिए और विड्रॉल करने के लिए हम लोग एटीएम जाते थे, एटीएम से ही काम हो जाता है, हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दिस इज नोन एज ऑटोमेशन। ओके, या हम लोग और भी बहुत सारे काम कर पा रहे हैं आज, ऑनलाइन हम लोग पेमेंट ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑटोमेशन है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग काम कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक या आईसीटी का यूज करते हुए हम अपने सर्विसेज और फंक्शंस को बेहतर बना रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑटोमेशन। द फंक्शन दैट मे बी ऑटोमेटेड इन ए लाइब्रेरी आर द फॉलोइंग। फंक्शंस कौन कौन से हैं, जैसे कि एक्विजिशन करते हैं आप। ओके, तो एक्विजिशन मैंने आपको पढ़ाया मैनेजमेंट के अंदर, यानी कि पुस्तकों या विभिन्न प्रकार की सामग्री का इन्फॉर्मेशन रिसोर्स को अपने पास गैदर करना। ओके, तो उनको एक्वायर करना, अधिग्रहण करना। ओके, सो दैट इज नोन एक्विजिशन। कैटलॉगिंग करते हैं, आज कैटलॉगिंग के अंदर भी कई सारा ऑटोमेशन आ गया, जिसके अंदर आपसे मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग करते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज मशीन, MARC है ना, मार्क जो आप फॉर्मेट आप अपनाते हैं, तो मशीन रीडेबल कैटलॉग करते हैं। पब्लिक एक्सेस के लिए हम लोग कई सारे काम करते हैं, जैसे ओपेक है और वेब ओपेक है। ओके, तो वेब ओपेक, ओपेक का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, तो ये भी ऑटोमेशन ही है आपका। ओके, डिजिटाइजेशन नहीं है। ओके, ये आपका क्या है, ऑटोमेशन है, जिसके अंदर आप OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी कि आपकी लाइब्रेरी के अंदर जितनी चीज़ें हैं आपने उसका एक ओपेक बना दिया, यानी कि एक डेटाबेस बना दिया, और डेटाबेस के साथ आपने एक सर्च बॉक्स बना दिया, ताकि यूज़र उस सर्च बॉक्स के माध्यम से आपकी लाइब्रेरी के कलेक्शन को सर्च कर सकता है। वो घर मतलब आपके इन हाउस एक्टिविटीज़ भी कर सकता है, लाइब्रेरी के अंदर बैठ के भी कर सकता है, और लाइब्रेरी से बाहर यानी पब्लिकली भी एक्सेस कर सकता है, या वेब के माध्यम से भी कर सकता है, यानी घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप पे मोबाइल पे भी सर्च कर सकता है। तो दैट इज नोन एज ओपेक एंड वेब ओपेक कहलाता है। इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग, हम लोग आज के इस दौर में हम लोग ऑटोमेटेड सिस्टम्स, हम इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग भी तैयार करते हैं और हम लोग यूज़ भी करते हैं उसको। इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग है आपका सर्कुलेशन के अंदर, तो बहुत बड़ा रोल है लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि सर्कुलेशन यानी कि पुस्तकों या विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का आदान प्रदान है, तो सर्कुलेशन के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम काम करता है। सीरियल्स के मैनेजमेंट के लिए काम करता है, कौन सा सीरियल प्राप्त हुआ नहीं हुआ, कौन सा डिले है, तो ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम आता है आज के डेट में। जो ये सब काम करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि सीरियल्स एंड वेरिफिकेशन, इन सब के लिए जो है आज के इस दौर में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको अपनी लाइब्रेरी को ऑटोमेटेड करना है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं, यानी कि अब जितना भी काम हम लोग मैनुअली कर रहे थे उसके लिए हम लोग कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके हम अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द, ये कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर इस प्रकार से काम किया जाता है। नाउ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज इन जनरल टर्म इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस द मैनुअल सिस्टम इन द लाइब्रेरी। यानी कि मैंने अभी आपसे पहले भी ये बात कह दी है मैंने आपसे कि ICT का मतलब ही ये है, या ऑटोमेशन का मतलब ये है कि हम लोग ICT का प्रयोग करते हुए जो कुछ भी अब तक हम लोग जो मैनुअल प्रोसेस कर रहे थे उसे हम ICT के जरिए अगर हमने करना शुरू कर दिया, या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने काम करना शुरू किया, तो यही हमारा ऑटोमेशन कहलाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन का क्या मतलब है, यानी कि जो काम हम मैनुअली कर रहे थे अब कंप्यूटर की सहायता से कर रहे हैं, दिस इज ऑटोमेशन। इससे आपका समय बच रहा है, एक्यूरेसी आ रही है, कंप्यूटर की तो खैर वैसे भी अपनी यूनिट हमने पढ़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि कंप्यूटर्स को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द लाइब्रेरी ऑटोमेशन। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन, कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन अगर हम अपनाते हैं तो ये हमारे उद्देश्य क्या है, हम लोग व्हाई वी आर यूजिंग द लाइब्रेरी ऑटोमेशन, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, तो नीड भी आएगा एंड ऑब्जेक्टिव्स भी, दोनों चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी उद्देश्य क्या है हमारे। तो इसके सारे उद्देश्य वही होंगे जो कंप्यूटर्स या ICT के जो उद्देश्य होते हैं, वही उद्देश्य होते हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी इन रेस्पेक्ट टू लाइब्रेरी हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके अंदर, कि जितना भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हैं आज के पास, आज की डेट में हमारे पास, तो उस बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को हम लोग कैसे करते हैं, कंप्यूटराइज करना है। कहते हैं ना कंप्यूटराइज कर देंगे तो सर्च ईजी हो जाती है आपके पास। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास किताबें हैं बहुत सारी, जैसे आपकी खुद की अगर लाइब्रेरी 200-500 किताबें हैं, 500 किताबों में अगर आपको कोई किताब ढूंढनी है तो इट टेक्स टाइम। अगर आपने उसका डेटाबेस बना रखा है या आपने सारी किताबों को आपने कंप्यूटर में लिख रखा है, तो आप हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में, अल्टीमेटली किताब का नाम या ऑथर का नाम या कुछ भी जो आइडेंटिफिकेशन है उसके कीवर्ड से मैं टाइप करूंगा, तो मैंने एक्सेल के अंदर लिस्ट बना रखी, तो बहुत इजीली मैं उसको सर्च कर पाऊंगा। सो दिस इज द थिंग कि हम ऐसा उसके अंदर कर सकते हैं। सो कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाए, यानी कि ग्राफिकल रिकॉर्ड्स हैं, उन ग्राफिकल रिकॉर्ड्स को हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये जितना भी बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, यानी कि लाइब्रेरी का सारा डेटा ही क्या आपका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, उसको कंप्यूटराइज करना, ये पहला हमारा ऑब्जेक्टिव उसके अंदर होता है। अगर ऐसा करेंगे तो सर्च ईजी हो जाएगी हमारे, हम उसको ढूंढ सकेंगे। तो प्रोवाइड बिब्लियोग्राफिक डिटेल थ्रू अ सिंगल एक्सेस पॉइंट, यानी कि सिंगल एक्सेस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर लाइब्रेरी में आपने ऑटोमेटाइजेशन कर दिया है तो सारी की सारी सूचना आपकी एक ही जगह केंद्रीकृत रूप में आपके पास आ जाएगी। ओके, आपको ये पता लग जाएगा आपकी लाइब्रेरी का कलेक्शन कितना है।
अभी वर्तमान में कितना इश्यू है, कितना आपके पास डिपॉजिट है, आपने कितनी ऐसी बुक्स है जिसको आपने राइट ऑफ कर दिया आपने, तो ये सब को रिकॉर्ड जो है आपके पास रहेगा। आपके पास यूजर्स कितना है, आपके पास क्लाइंटेज, ओके, लाइब्रेरी के मेंबरशिप कितने लोगों के पास है, उनमें से कितने लोगों को आपने बुक इशू करेगी, सब कुछ जो है, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम होगा तो सब कुछ आपका कंप्यूटर एक ही जगह पे, एक ही सेंट्रल पॉइंट पे आपके पास आ जाएगा। तो आप एक ही कंप्यूटर बैठ के, एक जगह बैठ के सारा उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास मैनुअल सिस्टम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअल सिस्टम के लिए आपको हर रजिस्टर में अलग अलग देखना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग पहले करते थे कि यूजर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यूजर्स का मैनुअल या उसका रजिस्टर उठा के देखूंगा तो मुझे पता चलेगा, बुक्स की डिटेल्स चाहिए मुझे या बुक्स का कितना कलेक्शन है तो मैं एक्सेशन रजिस्टर से पता करूंगा, सर्कुलेशन इशू रिटर्न रजिस्टर से उससे पता करूंगा कितनी किताबें हो गए। तो ये सब कुछ अगर ऑटोमेटेड है, कंप्यूटर में है, तो सब कुछ कहाँ आ जाएगा, समराइज होकर एक ही जगह पर आ जाएगा, उसको हम काम में ले सकते हैं। ओके, नाउ टू प्रोवाइड एन एक्सेस इन्फॉर्मेशन एट द फास्टर रेट, तीव्र गति से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। सो फास्टर रेट तो तीव्र गति से ये चीज़ चलेगी। तो ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर जो है स्पीड तो तेज ही, जो भी काम, ये बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर आप कंप्यूटर यूज़ करके या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो मैनुअल सिस्टम से सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, सबसे पहले नंबर पर बेनिफिट ये है कि आपका काम जितना भी है वो ईजी हो जाएगा और आपका फास्ट हो जाएगा। तो आज ईजी और फास्ट होने के लिए हम लोग काम करते हैं। ओके, टू शेयर द रिसोर्सेज थ्रू द लाइब्रेरी नेटवर्किंग, अगर आपके पास ये है तो आप अपने रिसोर्सेज को लाइब्रेरी नेटवर्किंग के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑटोमेटेड है, यानी कि ऑटोमेटेड होने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को आप नेटवर्क के जरिए दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है, दैट इज नोन एज ओपेक, ओके, दैट इज ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। तो ओपेक का मतलब यही है कि आपकी लाइब्रेरी में कितना कलेक्शन है उसकी जानकारी आप यूजर को दे रहे हो, और यूजर को भी कहाँ दे रहे हो, घर बैठे दे रहे हो, तो नेटवर्क के जरिए दे रहे हो। आप यूज़र जैसे सपोज मान लीजिए मैं अपने शहर में हूँ, अपने शहर में अगर मुझे कोई किताब चाहिए तो मेरी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में किताब हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो मैं यूनिवर्सिटी जो है मेरे घर से जो है 5-7-8 किलोमीटर दूर है, इट टेक्स टाइम, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पर जाकर ढूंढूंगा और फिर कन्फर्मेशन नहीं है किताब है या नहीं है, तो मैं अगर यूनिवर्सिटी ने ओपेक बना रखा तो मैं घर बैठे बैठे उस ओपेक के जरिए ये पता लगा सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो कलेक्शन में वो किताब है या नहीं है। सो इट सेव्स द टाइम, है ना, पाठक का समय बच रहा है आपका और आप सर्विसेज को अच्छा और बेहतर कर पा रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल है अगर सिस्टम कब होगा, ऑटोमेटेड होगा। तो ऑटोमेटेड सिस्टम का इफेक्ट है कि हम लाइब्रेरी नेटवर्क के जरिए भी अपने रिसोर्सेज की जानकारी या रिसोर्सेज हम लोग शेयर कर सकते हैं। टू इम्प्लीमेंट ए न्यू आईटी प्रोसेस टू प्रोवाइड द हाई क्वालिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आज के इस दौर में इन्फॉर्मेशन या सूचना की क्वालिटी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाएंगे, आप आईसीटी के जरिए लेकर आएंगे। नई तकनीक कहाँ से लेंगे, आप आईसीटी के जरिए लेंगे। तो लगातार इन्फॉर्मेशन के अंदर क्वालिटी अगर आपको इम्प्रूव करनी है, अपनी अपनी सर्विसेज को अच्छा और बेहतर करना है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको अपनाते हुए अपनी सर्विसेज को अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, अगेन सेम बात है आपके यहाँ पर भी, ये कि हम अपने सर्विसेज को अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं एंड क्वालिटी ऑफ द आउटपुट, यानी हम अपने यूजर्स को अच्छी बेहतर क्वालिटी देना चाहते हैं, इसके लिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आईसीटी को हम अपनाएं। तो जहाँ जहाँ भी लाइब्रेरीज हैं, हालांकि देखिए इट इज़ वेरी फैक्ट, एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आप एक सर्वे करेंगे तो जितने भी लाइब्रेरीज हैं जहाँ पर मैनुअल सिस्टम चलता है लाइब्रेरीज हैं, तो अगर आप एक सर्वे करेंगे तो आप 10 लोगों में से आप ये पाएंगे कि 80-90% लोग ये चाहते हैं कि वहाँ पर उनके सिस्टम अगर ऑटोमेटेड नहीं है तो वो ये चाहेंगे कि वहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट लाइब्रेरी स्टाफ को ही होता है, इससे यूजर को बट ऑब्वियस होता ही है, लेकिन बेनिफिट लाइब्रेरी स्टाफ को होता है। तो आप देखिए, क्योंकि जैसे सपोज आप किसी दिन एक लाइब्रेरी में आप जाएंगे, और मैं एकेडमिक मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, मैं लाइब्रेरी रेगुलर बेसिस पे आता हूँ, तो वीक में 1 या 2 दिन में लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं कोई किताब ढूंढूंगा, सर्च करूंगा, मैं उसको इशू करूंगा, इट टेक्स मैं लाइन में लगूंगा, किताब इशू करूंगा, तो मुझे थोड़ा सा लगेगा कि हाँ मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ, कि मैं ये काम थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि जब आप लाइन में लगते हैं तो आपका ध्यान केवल ही होता है कि मेरे से आगे कितने लोग हैं, 3 हैं 5 हैं 10 हैं, तो मेरा नंबर कब आएगा। आप जब लाइन में हो, कभी किसी भी चीज़ की लाइन में अगर आप लगेंगे तो आपकी आपकी सिर्फ कंसंट्रेशन वहीं रहेगी और उसी चीज़ के ऊपर आपका। तो अगर मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट में आपका टाइम आया, या आपको 2-3 लोगों में भी अगर आपको वेट करने लगा तो आपको ये भी थोड़ा सा लगेगा हाँ 5 मिनट भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ। अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो यू विल प्रीफर दैट, है ना। आज ऑटोमेटेड सिस्टम है, हम बैंक भी जाते हैं, किसी ATM पे भी जाएं, अभी आप जैसे फेस्टिवल टाइम है ना, तो ATM पे भी जाते हैं, तब ATM पे भी लगता है, अगर आप जाएंगे 2 जने पहले से खड़े हैं तो आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, सो जबकि सब कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है ना, तो बैंक हम लोग मैनुअल से हम ऑटोमेटेड पे आ गए बैंकिंग में भी, लेकिन तब भी हमें ऐसा लगता है।
सो इट टेक्स टाइम, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम वहाँ पर जो वेस्ट हो रहा है, तो आप ये चाहेंगे कि बहुत कम समय में जो है आपका वो काम आपका हो जाए, तो ऑटोमेटिक सिस्टम जाएंगे, तो आपको क्वालिटी यहाँ पर आपको सर्विसेज जो है आपको उसके अंदर क्वालिटी आपको हमेशा रहेगी। सो मेरा कहने का मतलब अगर आप लाइब्रेरियन से पूछेंगे तो अब आपको तो वीक में एक या दो बार जाना तो आपको लगता है टाइम वेस्ट हो, लेकिन जो व्यक्ति अपने सीट पर बैठ कर सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक केवल सर्कुलेशन का काम कर रहा है तो उसको भी लगता है कि हाँ उससे वो मैनुअली काम कर रहा है और उससे भी कई सारी गलतियाँ भी होती है, कई बार कई सारी चीज़ें रिकॉर्ड्स में मेंटेन करने में मिस्टेक हुई थी, तो अल्टीमेटली उसको भी लगता है कि हाँ सिस्टम अगर ऑटोमेटेड हो जाएगा तो बेनिफिट है। इसलिए ऑटोमेशन होने से लाइब्रेरी स्टाफ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू द यूज़र। यूज़र को तो है ही है लेकिन स्टाफ को भी ज़्यादा, इसलिए हम क्वालिटी सर्विसेज देने के लिए, हम सर्विसेज को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए भी जो है ऑटोमेशन को हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट है टू फुलफिल द नीड दैट कैन नॉट बी अचीव बाय द मैनुअल सिस्टम, यानी कि हम उन ज़रूरतों के लिए हम लोग सिस्टम बनाते हैं जिन्हें अब तक हम लोग जो है मैनुअल सिस्टम से उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए भी जो है हम ऑटोमेटेड सिस्टम को जो है अपनाते हैं। नेक्स्ट आपका टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन दैट अपीयर्स ओनली इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, यानी कि अच्छा ऐसा भी है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही है, तो अगर उन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट की इन्फॉर्मेशन को अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, यूज़र तक पहुंचाना चाहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर लाइब्रेरी ऑटोमेशन की हमें वहाँ पर आवश्यकता होती है। तो दीज आर ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इनके माध्यम से ये कुछ चीज़ें, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है और बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ जो है की पॉइंट्स ही लिखकर आपको मैं बता रहा हूँ कि इनके जरिए हम लोग काम करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए नीड ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन की हमें क्यों आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बता दिया कि हमारे उद्देश्य क्या है, हम लोग क्यों करते हैं, लेकिन आज के इस दौर में आवश्यकता नीड की भी थोड़ी सी बात करते हैं, हालांकि की पॉइंट्स रिलेटेड ही है, वैसी चीज़ें ही है। पहला है आपका ऑप्टेन इंक्रीज ऑपरेशनल इफिशियंसीज, ओके, तो आप जितनी भी ऑपरेशनल इफिशियंसीज हैं आज के डेट में ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये ज़रूरत है क्योंकि अगर ऑटोमेशन सिस्टम होगा तो काम आप ज़्यादा कर पाएंगे। मैनुअल सिस्टम में मैंने आपको बताया ना, मैनुअल सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्यू एक लाइन लग रही है, आप 10 से 5 ही आप इशू कर पाएंगे और उसमें भी आपको हर जने को इशू करने के लिए आपको 5-7 मिनट चाहिए आपको। तो अगर आप अपनी ऑपरेशनल इफिशियंसी को बढ़ाना चाहते हैं, काम आप चाहते हैं कि दिन में हमारी लाइब्रेरी जहां अगर आप मैनुअल सिस्टम में 100-200-500 लोगों को किताब इशू कर रहे थे, तो अगर आपका ऑटोमेटेड सिस्टम होते ही आपका वो रेशियो आपका 500 की जगह आपका 1000 या 2000 हो जाएगा, तो इतना इंक्रीज होता है। बट ऑब्वियसली बात है, आप मैनुअली काम करेंगे और एक काम आपका ऑटोमेटिकली होगा, ओके। सो इट टेक्स कि आपकी एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। देन प्रोफेशनल स्टाफ में पे मोर अटेंशन टू द यूजर ओरिएंटेड सर्विस, जितना भी आपका प्रोफेशनल स्टाफ है जो अब तक सर्विसेज दे रहा था उनका टाइम बच जाएगा, तो जब टाइम बचेगा तो वो अपने बचे हुए टाइम में यूजर ओरिएंटेड सर्विसेज को ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, होता ना, क्योंकि किताबें फॉर एग्जाम्पल मैं इतनी सी बात करूँ, एक लाइब्रेरी में सिर्फ इतना हो गया कि आपने सर्कुलेशन को ऑटोमेटेड कर दिया, यानी किताब इशू और रिटर्न कराने के लिए कहीं भी आपको मैन पावर की आवश्यकता नहीं है और मैनुअल सिस्टम आपने हटा दिया, सब कुछ आपने सिस्टम जो है ऑटोमेटेड कर दिया। किसी एक बड़ी लाइब्रेरी में अगर इतना सा काम, अगर सिर्फ सर्कुलेशन ही ऑटोमेटेड हो जाएगा, तो वहाँ का बहुत सारा स्टाफ जो है आपका फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप नॉर्मली लाइब्रेरी में क्या होता है कि जब हम जाते हैं किताब इशू करते हैं, हमारा इंटरेक्शन जो होता है वो लाइब्रेरी से होता है, और आपने देखा होगा एक ही व्यक्ति है उसी से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, किताब इशू करा रहे हैं, डिपॉजिट करा रहे हैं, वो उसी के हमें हमारे मेंबरशिप से संबंधित बात कर रहा है, वो हमसे कह रहा है कि साहब आपका ये आपका लेट फीस है, किताब ऐसे कैसे फट गई, या कुछ भी लाइक जितना भी होता है एक पर्सनल इंटरेक्शन जो होता है हमारा लाइब्रेरी से होता है या उस व्यक्ति से होता है जो सर्कुलेशन पर बैठा है, ओके। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़्यादा हमें ऐसी आवश्यकता होती है, हाँ रेफरेंस सर्विसेज की एक अलग बात है कि जहाँ आपको मैनुअली आपको कुछ पूछना होता है, आपने क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, उसका जवाब जो है आपको वहाँ का आपको स्टाफ देता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन लाइब्रेरी से ही हमारा इंटरेक्शन होता है। अगर वहाँ या सर्कुलेशन वाले व्यक्ति से सबका इंटरेक्शन होता है, अगर वो सिस्टम ऑटोमेटेड हो जाएगा तो वहाँ जो है मैन पावर जो लगा हुआ वो आपका फ्री हो जाएगा, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री हो जाएंगे जो सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग क्या करेंगे कि वो आपको अच्छी और बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे। सो दिस इज द नीड कि आज हमें ज़रूरत है, क्योंकि लाइब्रेरी जो है सर्विस इंस्टीट्यूशन है, सेवा में संस्थान है, वहाँ का जितना स्टाफ जितनी सर्विस यूज़र को दे उतनी कम है, क्योंकि समय के साथ साथ दोनों चीज़ें बढ़ती जा रही है, यूज़र भी बढ़ता जा रहा है, सर्विसेज के अंदर वेरिएशन बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आज के इस युग में ऑटोमेशन जरूरी है। तो दिस इज द नीड। नेक्स्ट है आपका कि इम्प्रूव द क्वालिटी स्पीड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विसेज, हम अपनी सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, सर्विसेज को हम स्पीड से देना चाहते हैं, और इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विसेज यानी कि सर्विसेज को हम लोग इफेक्टिव बनाने के लिए भी जो है हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन काम में रहते हैं। सो दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द लाइब्रेरी ऑटोमेशन।
इम्प्रूव एक्सेस टू द रिमोट यूजर, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। रिमोट यूजर का मतलब वो है कि जो यूजर जो है आपकी लाइब्रेरी में नहीं आ सकता या नहीं आता, वो दूरस्थ है, तो दूरस्थ कहीं पर भी हो सकता है। इट कैन बी अ ग्लोबल यूजर, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है। तो वो अगर उसको एक्सेस चाहिए, तो अगर आपका सिस्टम ऑटोमेटेड है तो वो वहाँ बैठे, दूर बैठे भी जो है आपकी सर्विसेज जो है वहाँ पर यूज़ कर सकता है। इम्प्रूव एक्सेस टू द रिसोर्सेज टू द अदर नेटवर्क, यानी कि अगर आप ये करेंगे और ऑटोमेटेड सिस्टम करेंगे तो आप इससे ये फ़ायदा है आज के दौर में, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी एक्सेस को बढ़ाएंगे या किसकी रिसोर्सेज को, टू द अदर नेटवर्क, यानी कि हम अपने नेटवर्क में तो ठीक है लेकिन हम अदर नेटवर्क से भी चीज़ें जो है हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और ये कब होगा? जब लाइब्रेरी ऑटोमेशन होगा, तो इसलिए ये ऑटोमेशन की हमें नीड है, आवश्यकता है। प्रोवाइड न्यू सर्विसेज विच वॉज नॉट पॉसिबल अर्लियर, यानी कि ऐसी और अच्छी और बेहतर सेवाएँ भी हमारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी जो कि अब तक हम लोग मैनुअल सिस्टम में नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि जैसे आपका सिस्टम ऑटोमेटेड होगा, आईसीटी एप्लीकेशन आएगी, तो आईसीटी एप्लीकेशन आने के बाद आप बहुत सारी अच्छी और बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ ऐसे सर्विसेज के एग्जांपल मुझे याद है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिमोट यूज़र हैं, आपको पता है आपकी लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें हैं और आपकी लाइब्रेरी बहुत दूर है, मैं आउट ऑफ द कंट्री है, मैं किसी दूसरी कंट्री से बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखा वहाँ पर उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं आई कैन रिक्वेस्ट देम कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मुझे अपने रिसर्च स्कॉलर में इस तरह का डेटा चाहिए मुझे, तो आप क्यों ना वहाँ से मैं उनको मेल करूँगा कि आप अपनी लाइब्रेरी में जो आपके पास ये हार्ड कॉपी मटेरियल है, प्लीज़ मुझे इस किताब के बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए और जो डेटा आपके पास है उसकी आप स्कैन कॉपी जो है आप मुझे इस ईमेल पे भेज दीजिए, जो भी चार्जेस होंगे हम लोग यहाँ से पे करने के लिए तैयार है। तो आप ऑनलाइन उससे कॉन्टेक्ट करेंगे और वो सब आपको वहाँ से स्कैन करके, और मोस्टली ऐसा होता है कि स्कैन करके उसकी डिजिटल कॉपी जो है उनको आपको दे देते हैं। कॉपीराइट का एक अलग इशू है, लेकिन और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में इस तरह का काम आप कर सकते हैं। एक लाइब्रेरियन इट कैन ही और शी कैन डू इन दिस काइंड ऑफ जॉब। ओके, सो वहाँ से आपने डिमांड किया, डिमांड करने के बाद वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल गई। कब पॉसिबल है? जब लाइब्रेरी में ऑटोमेटेड सिस्टम है, लाइब्रेरी आईसीटी यूज़ कर रही है, लाइब्रेरी यूजिंग द स्कैनर, द कंप्यूटर सिस्टम, द ईमेल सर्विसेज, दिस इज द ऑटोमेशन, दिस इज एग्जांपल ऑफ द ऑटोमेशन, कि वो ऐसा करके आपसे कम्युनिकेशन के जरिए जो है काम कर सकते हैं। यानी कि आईसीटी का मतलब ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि इन्फॉर्मेशन को किस लिए यूज़ कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन के लिए काम में ले रहे हैं और उसके लिए बेहतर जो से बेहतर जो तकनीक होती है उसे हम काम में लेते हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, और इस आईसीटी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना ही लाइब्रेरी में लाइब्रेरी ऑटोमेशन कहलाता है। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम ऐसे सर्विसेज भी दे सकते हैं जो दैट वाज नॉट पॉसिबल अर्लियर, यानी कि इससे पहले वो सर्विसेज जो थी अब तक संभव नहीं थी। नाउ इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ देयर फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जितने भी फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं इनका जो है हम लोग मैनेजमेंट भी हमारे पास ईजी होता है, क्योंकि ऑटोमेशन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑटोमेशन में आपको बहुत ईजीली आपको पता रहता है कि आपके पास नंबर ऑफ कलेक्शन कितना है, आपके पास यूजर्स कितने हैं, कितना आपने मटेरियल इशू कर रखा है, कितना आपने राइट ऑफ कर रखा है, आपके पास बजट कितना है, सब कुछ, क्योंकि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर सारे मॉड्यूल्स होते हैं और उस मॉड्यूल्स के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें जो है बहुत ईजिली आपको पता रहती है, उस पर आप काम कर सकते हैं। देन फैसिलिट वाइडर एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन टू द क्लाइंट, क्लाइंट्स को वाइडर एक्सेस पर दे सकते हैं, क्योंकि क्लाइंटेज आपका बढ़ जाता है जब आप ऑटोमेटेड सिस्टम आप यूज़ करते हैं। देन फैसिलिट वाइडर डिसमिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि अपने सेवाओं को और अपने प्रोडक्ट को आप ग्लोबल लेवल पे, जो अब तक आप लोकल लेवल पे प्रोवाइड करा रहे थे वो आप ग्लोबल लेवल पर भी जो है उनको आप प्रोवाइड करा सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन एनेबल पार्टिसिपेशन इन द रिसोर्स शेयरिंग नेटवर्किंग एंड एनेबल रैपिड कम्युनिकेशन थ्रू द लाइब्रेरी, यानी कि ये सब कुछ जो है आपके जो है बेनिफिट्स हैं और ये आप काम कर सकते हैं। दिस इज द नीड आज के इस दौर में, इसकी सबसे जरूरत और सख्त आवश्यकता है।